Oxy MBBS, one step solution for all medical studies. Hi friends, welcome back in this series of lectures on the milk. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेस ऑफ द मिल्क, और इसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर बी जी सी एंड एम देखा था, और इस ऑर्डर से हमारी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में घुमा फिराकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इसे देख लीजिए। बाय द वे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कंपैरिजन बिटवीन द मदर्स मिल्क एंड द काउज मिल्क एंड व्हाई मिल्क इज कॉल्ड एज बेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट अमंग ऑल द फूड्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दीज सब टॉपिक्स इन डिटेल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एंड क्वेश्चन इज व्हाई काउज मिल्क इज प्रिफर्ड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी इफ ड्यू टू एनी रीजन। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक जॉन्डिस एंड मैनी मोर डिजीज, एंड उसकी वजह से मदर इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि व्हाई काउज मिल्क इज प्रिफर्ड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ काउज मिल्क इज मोर सिमिलर टू द मदर्स मिल्क इन रेस्पेक्ट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, दैट इज व्हाई काउज मिल्क इज प्रिफर्ड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। एंड नाउ एज काउज मिल्क इज प्रिफर्ड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज व्हाई मदर्स मिल्क के साथ साथ हमें काउज मिल्क की कंपोजिशन भी इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द मिल्क डिस्कस करनी होती है। इसीलिए फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन द मदर्स मिल्क एंड द काउज मिल्क इन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू इन 100 ml सैंपल। तो फ्रेंड्स, इस टेबल के अंदर इस कॉलम में हम लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मिल्क, इस कॉलम में लेते हैं 100 ml मदर्स मिल्क एज अ सैंपल, और इस कॉलम में लेते हैं काउज मिल्क एज अ सैंपल। नाउ फ्रेंड्स, इस टेबल को देखकर मुझे फटाफट बताइए कि आउट ऑफ 100 ml मदर्स मिल्क एंड आउट ऑफ 100 ml काउज मिल्क वाटर कितना परसेंट होता है। तो इट इज 88% या 88 ml, कुछ भी बोलो, दोनों बात एक ही है, इन द मदर्स मिल्क, एंड इट इज 87% और 87 ml इन द काउज मिल्क। मतलब हमारा जो मदर्स मिल्क होता है वो ज्यादा डाइल्यूट होता है एज कंपेयर्ड टू द काउज मिल्क। अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इट इज 7.4 grams इन द मदर्स मिल्क एंड इट इज 3.4 grams इन द काउज मिल्क। प्रोटीन की बात करते हैं, इट इज 1.1 gram इन द मदर्स मिल्क एंड इट इज 4.1 grams इन द काउज मिल्क। फैट की बात करते हैं, इट इज 3.4 grams इन द मदर्स मिल्क एंड इट इज 4.4 grams इन द काउज मिल्क। मिनरल्स की बात करते हैं, इट इज 0.1 gram इन द मदर्स मिल्क एंड आउट ऑफ दिस 0.1 gram 28 mg इज कैल्शियम एंड इट इज 0.8 gram इन द काउज मिल्क एंड आउट ऑफ दिस 0.8 gram 120 mg इज कैल्शियम। विटामिन सी की बात करते हैं, इट इज 3 mg इन द मदर्स मिल्क एंड इट इज एब्सेंट इन द काउज मिल्क। एनर्जी की बात करते हैं, 100 ml मदर्स मिल्क प्रोवाइड 65 किलो कैलोरी एनर्जी एंड इट इज 67 किलो कैलोरी एनर्जी बाय द 100 ml काउज मिल्क। नाउ फ्रेंड्स, एज दीज कंपोनेंट्स ऑफ द मिल्क आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज व्हाई इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है। तो कार्बोहाइड्रेट मिल्क के अंदर कोई सा भी मिल्क, मदर्स मिल्क हो, बफेलो मिल्क हो, काउज मिल्क हो, किसी भी टाइप का मिल्क हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस टाइप का होता है, कौन सी शुगर होती है। यस फ्रेंड्स, यू आर करेक्ट, लैक्टोज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट और शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर। अब क्या करना है, इस लैक्टोज के अंदर से जो सफिक्स SE है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि SE से क्या बना लो, सेवन, SEVEN, सेवन, और ये रहा सेवन और 7.4। अब एक नंबर, स्टार्टिंग का नंबर भी अगर आ गया तो रूल आउट तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, और 7.4 लगाना क्या बड़ी बात है, 7.4 लगा लो या 7.5 लगा लो, दोनों एक ही बात है। मतलब जैसे ही आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट मदर्स मिल्क के अंदर कितना होता है, तो आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट कौन सी शुगर होती है यार, कौन सी शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, तो लैक्टोज लिखा है यहाँ पे,
और लेक्टोज के अंदर जो सफिक्स है वो फटाक से आपको याद करा देगा कि यहाँ पे एसई मतलब यार सेवन होता है, सेवन सेवन मतलब 7.4 जो होता है वो होती है कार्बोहाइड्रेट इन दी 100 ml मदर्स मिल्क। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मदर्स मिल्क के अंदर होता है और सबसे कम किसके अंदर होता है, काउज मिल्क के अंदर। मतलब इस 7.4 से तो बहुत ही कम वैल्यू होनी है, मतलब 7.4 मदर्स मिल्क के अंदर है तो 6 बफेलो के अंदर होगा, 5 गोट के अंदर होगा और 4 या 3 के आसपास किसके अंदर होगा, काउज मिल्क के अंदर। दैट इज वाई कार्बोहाइड्रेट इज 3.4 ग्राम्स इन दी काउज मिल्क। अब आप प्रोटीन कैसे याद रखेंगे, इट इज अगेन वेरी सिंपल। प्रोटीन के अंदर जो PR है इसको क्या लिखेंगे, PRIMAR प्राइमरी। PR से क्या बनाना है, प्राइमरी, और प्राइमरी तो आप जानती हैं, प्राइमरी मतलब 1 degree और 1 मतलब ये रहा 1। एंड नाउ जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोटीन जो होता है वो हमारी मदर्स मिल्क के अंदर सबसे कम होता है, मतलब फ्रेंड्स 1.1 ग्राम से तो काउज मिल्क के अंदर प्रोटीन ज्यादा ही होगा और वो कितना होता है, 4.1 ग्राम्स। अब बात करते हैं फैट की। अब ये फैट के अंदर जो 3 अल्फाबेट्स हैं FAT, ये आपको रिमाइंड कराएगा कि फैट जो होता है मदर्स मिल्क के अंदर वो उसकी वैल्यू होती है, स्टार्टिंग का नंबर होता है 3 और पॉइंट के बाद तो कुछ भी लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फैट कितना होता है मदर्स मिल्क के अंदर, इट इज 3.4 ग्राम्स। अब बात करते हैं काउज मिल्क के अंदर, तो काउज मिल्क के अंदर फैट ज्यादा ही होगा क्योंकि ये ऑर्डर हम जानते हैं फैट के लिए क्या होता है, BGCM, और वो ज्यादा कितना होता है, 4.4 ग्राम्स। अब चलिए बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स कैसे याद रखेंगे आप, इट इज अगेन वेरी सिंपल। मिनरल्स के अंदर जो मिन है इससे बनाना है आपको मोनो, और मोनो का मतलब तो आप जानते ही हैं, मोनो मतलब होता है 1, बट यहाँ पर 1 नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है 0.1 ग्राम। ये याद रखना है कि 0.1 ग्राम होता है। अब इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि जो मोनो के अंदर जो पहला ओ है इसको बना दो 0 और जो दूसरा ओ है इससे बना दो 1, O-N-E 1। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि 0.1 कैसे आया। तो मदर्स मिल्क के अंदर मिनरल्स कितने होते हैं, 0.1 ग्राम, और 0.1 ग्राम के अंदर 28 मिलीग्राम्स जो होते हैं वो कैल्शियम होते हैं। नाउ फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारी काउ होती है वो क्या खाती है, चारा मारा इस टाइप की चीजें खाती है, मतलब चारा कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ग्रीन के अंदर हम जानते हैं ग्रीन जो चीजें होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मिनरल्स अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं। दैट इज वाई काउज मिल्क विल हैव हायर अमाउंट ऑफ मिनरल्स एज कंपेयर्ड टू दी मदर्स मिल्क, मतलब 0.1 से तो ज्यादा ही होना है और वो कितना होता है, 0.8 ग्राम। अब मिनरल्स ज्यादा है तो कैल्शियम भी ज्यादा होना है, ये कितना होता है, 120 मिलीग्राम कैल्शियम। अब कैसे याद रखेंगे आप कि कैल्शियम जो होता है वो काउज मिल्क के अंदर ज्यादा होता है, इट इज अगेन वेरी सिंपल। ये काउ के अंदर जो सी आ रहा है ये आपको रिमाइंड कराएगा कि मेरे अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू दी मदर्स मिल्क। नाउ फ्रेंड्स ये विटामिन सी के अंदर एक थोड़ा सा लोचा है, वो कैसा है कि इसका लेवल मदर्स मिल्क के अंदर उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो मदर है वो किस टाइप का फूड कंज्यूम कर रही है। अगर वो विटामिन सी रिच फूड कंज्यूम कर रही है तो उसके मिल्क में इतना विटामिन सी होगा, और अगर विटामिन सी रिच फूड कंज्यूम नहीं कर रही है तो उसके अंदर भी विटामिन सी एब्सेंट होगा, जैसा कि काउज मिल्क के अंदर होता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी के लिए भी बहुत ही सिंपल है, जैसा कि फैट एंड प्रोटीन आर वेरी लो इन दी मदर्स मिल्क, दैट इज वाई इट विल प्रोवाइड लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू दी काउज मिल्क। दैट इज वाई इट इज 65 किलो कैलोरी एंड इट इज 67 किलो कैलोरी बाय दी काउज मिल्क। सो फ्रेंड्स एज दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप। नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू अवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज वाई मिल्क इज कॉल्ड इज बेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लीट अमंग ऑल दी फूड्स। तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल लॉजिक है, वो क्या है, मिल्क के अंदर वो सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल या इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर होते हैं प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स के अंदर केसीन इज द चीफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क, बट इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रीली, इट इज प्रेजेंट अलोंग विद द कैल्शियम, दैट इज व्हाई केसीन इज कॉल्ड एज कैसिनोजेनेट।
तो आप कैसे याद रखेंगे कि जो केसिन होता है वो चीफ प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर। इट इज अगेन वेरी सिंपल। ये केसिन के अंदर जो सी है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि मैं एज अ चीफ प्रोटीन प्रेजेंट होता हूँ मिल्क के अंदर। और दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, लैक्ट एल्बुमिन, लैक्ट ग्लोबुलिन, ये ट्रेसेस के अंदर होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वे प्रोटीन। तो वो प्रोटीन्स जो ट्रेसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर उनको क्या कहते हैं, वे प्रोटीन। ये याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क, बट इन द ह्यूमंस मिल्क सिस्टीन एंड ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट। और इनको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो क्या है कि सिस्टीन के अंदर से ले लो सीस, तो ये रहा सीस, और ट्रिप्टोफेन के अंदर से ले लो TR, तो ये रहा TR, तो इससे बनता है सिस्टर, और सिस्टर कैसी होती है, फीमेल, और फीमेल कौन होती है, हमारी ह्यूमंस मदर। मतलब फ्रेंड्स, आज के बाद जब भी आप सिस्टर को देखो तो ये सिस्टीन एंड ट्रिप्टोफेन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, प्रोटीन के बाद फैट पर आते हैं, तो फैट के अंदर जो भी फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं वो सारे होते हैं, बट विटामिन ए एंड डी आर प्रेजेंट इन द हायर अमाउंट इन द मिल्क। उसके बाद लिनोलिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड DHA, इस टाइप के फैटी एसिड्स भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और DHA जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब DHA क्या होता है, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, ये जो DHA है इसके अंदर जो डी आपको दिख रहा है ये, इससे क्या लिंक करना है, दिमाग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, क्योंकि फ्रेंड्स यहां से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि DHA इज इंपॉर्टेंट फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ दिमाग। अब हम क्या बोलेंगे, ब्रेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिमाग। दिमाग के डेवलपमेंट के लिए DHA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है, लैक्टोज होती है, और लैक्टोज सिर्फ और सिर्फ मिल्क के अंदर होती है, दैट इज वाई लैक्टोज शुगर इज कॉल्ड एज मिल्क शुगर, इट इज फाउंड नो वेयर इन द नेचर। और लैक्टोज के अंदर हमने एक काम किया था, क्या किया था, जो SE है सफिक्स लैक्टोज के अंदर, इससे बनाया था 7, और 7 क्या होता है, 7.4 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट इन दी मदर्स मिल्क। नाउ कमिंग टू मिनरल्स, विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो मिनरल्स किस टाइप के होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैनी मोर। विटामिन्स, ऑल द विटामिन्स आर प्रेजेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन एंड मैनी मोर। मतलब बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट आयरन एंड विटामिन सी आर आइदर डेफिशिएंट और दे आर एब्सेंट इन द मिल्क। अब कैसे याद रखेंगे आप कि मिल्क के अंदर आयरन एंड विटामिन सी एब्सेंट होते हैं या डेफिशिएंट होते हैं या बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इट इज अगेन वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, सिर्फ मिल्क लिखना है, और मिल्क के अंदर ये जो आई है और जो के है वो आपको रिमाइंड कराएगा कि मैं आयरन हूँ, और के से क्या बनाना है, के नहीं बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, सी। मतलब आयरन एंड विटामिन सी आर डेफिशियंट इन दी मिल्क। नाउ फ्रेंड्स, दिस लेवल ऑफ DHA इन दी मदर्स मिल्क विल डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ फूड मदर इज कंज्यूमिंग। इफ मदर इज टेकिंग सच टाइप ऑफ फूड्स विच आर रिच in omega 3 fatty acids like flax, fish and many more, then mother's milk will have higher amount of DHA. अब बच्चे के अंदर, infant के अंदर level of DHA depends on how long the infant is breastfeeded. If infant is breastfeeded for the longer duration, then infant will have higher amount of DHA. For example, दो बच्चे लेते हैं, एक बच्चे को 6 महीने तक breastfeed कराया जाता है और एक बच्चे को 1 साल तक। तो मुझे बताइए किस बच्चे के अंदर DHA का लेवल ज्यादा होगा? Obviously friends, उस बच्चे को जिसको 1 साल तक breastfeed कराया गया हो। तो friends, ये दो point बहुत ज्यादा important है DHA के अंदर, कि DHA हमारे दिमाग या brain के development के लिए important होता है, दूसरा DHA का level किस पर depend करता है। So friends, this is all for today. अगले videos में हम इसी तरह से one by one इन सब topics को भी discuss करने वाले हैं।